नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर लोगों ने किया पथराव, कई घायल, बैरंग लौटी टीम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागलपुर से भेजी गई जरदालू आम की सौगात, 15 दिनों से चल रही थी तैयारी। नमामि गंगे के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डीएम, गंगा को सुरक्षित रखने के लिए डाला गया 2,00,000 मछली का जीरा। महाप्रबंधक ने 14 जिलों के शाखा प्रबंधकों के साथ की बैठक, कृषि ऋण को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। और योगी सरकार में सूचना आयोग के सचिव तेजस्कर पांडे पहुंचे भागलपुर, सज्जाद अनसी से लिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र स्थित रेलवे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को हटाने के लिए गुरुवार को आए रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने आए अधिकारियों और आरपीएफ की टीम पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों ने पथराव कर जमकर हंगामा किया। वहीं अतिक्रमणकारियों द्वारा पथराव और हंगामा देखते हुए रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस फोर्स वहां से वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर एक माह पूर्व ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को नोटिस दे दिया गया था और इसी को लेकर गुरुवार को वहां से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करने रेलवे के अधिकारी पुलिस बल पहुंचे थे, जहां झुग्गी वासियों ने पथराव और हंगामा शुरू कर दिया। इधर बताया जा रहा है कि पथराव की घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि मामले को लेकर शाकचक थाना के समक्ष भी काफी गहमागमी और हंगामे का माहौल बना रहा। वहीं जानकारी के अनुसार रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग रेलवे के अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हर साल की तरह इस वर्ष भी भागलपुर का प्रसिद्ध जरदालू आम बिहार सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भेजा गया। दरअसल अपनी अलग पहचान और स्वाद के लिए मशहूर जरदालू आम सौगात के रूप में देश के जाने माने और विशिष्ट पदों पर आसीन लोगों को भेजने की परंपरा पिछले कई वर्षों से चल रही है और इसी को लेकर जिला उद्यान विभाग द्वारा पैकिंग कराकर भागलपुरी जरदालू आम गुरुवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस से 1,000 जरदालू आम की पेटी दिल्ली बिहार भवन भेजी गई, जहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों तक सुरक्षित तरीके से जरदालू आम के पैकेट को पार्सल किया जाएगा। वहीं इस वर्ष मैंगो मैन के नाम से मशहूर किसान अशोक चौधरी समेत कई किसानों के बगीचे से बेहतर क्वालिटी के जरदालू आम का चयन कर पिछले 15 दिन से दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही थी। वहीं इसको लेकर जिला उद्यान पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि करीब 15 वर्षों से बिहार और भागलपुर की सौगात के रूप में देश के विशिष्ट अतिथियों को भागलपुरी जरदालू आम भेजने की परंपरा चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्टेशन से आनंद बिहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा कई अतिथियों के लिए भागलपुर के सौगात के रूप में जरदालू आम दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुरी जरदालू आम अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे अधिक पसंद भी किया जाता है। 10 पैकेट यहाँ से भेजी जा रही है और ये 17 साल से जा रही है, इस आम को हम लोग भेज रहे हैं। क्या गुणवत्ता का कितना ध्यान रखा गया? गुणवत्ता का जहाँ भी हम लोग इस आम को भेजते हैं, वहाँ की बड़ी वैज्ञानिक के द्वारा उस बगान की जाँच की जाती है, उसकी गुणवत्ता की जाँच करते हैं, उसको ग्रेडिंग करके उस आम को छांट करके उच्च क्वालिटी के आम को हम लोग भेजते हैं। GI टैग मिल चुका है? बिल्कुल, GI टैग मिला हुआ है। और कितने पैकेट में कितने केजी होंगे? लगभग 5 KG के लगभग एक पैकेट। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में नमामि गंगे के तहत राष्ट्रीय रैंचिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नाव के जरिए गंगा में 2,00,000 से अधिक की संख्या में मछली का जीरा छोड़ा, जिससे गंगा सुरक्षित रह सके। वहीं DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि नमामि गंगे के तहत गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2,00,000 से अधिक की संख्या में मछली का जीरा गंगा में छोड़ा गया, जबकि मछली के बड़ा हो जाने पर गंगा से मछली को निकाल लिया
बढ़ाया जाएगा और इसका फायदा मछुआरों को होगा। इसके अलावा श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम ने कहा कि रैन सेंटर का काम रुका हुआ था, जिसके लिए विभाग से बातचीत कर काम शुरू कराया जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि कच्ची कांवरिया पथ में मरम्मती के कार्य के लिए बांका से टेंडर होना था, जो हो चुका है, जबकि कांवरिया पथ में शौचालय, पानी, बिजली का कार्य तेजी से किया जा रहा है और समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर BDO मनोज कुमार मुर्मू, CO शंभु शरण राय, मुखिया भरत कुमार यादव, नमामि गंगे के अधिकारी समेत जिला और प्रखंड के अधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ICAR का, जो अर्थशास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरे गंगा में लाखों की संख्या में जो सीड्स जो है वो गिराए जा रहे हैं और ये जो मछलियाँ जो तैयार की गई, जो बीज जो तैयार किया गया, गंगा की मछलियों से ही ब्रूडर जो मछलियाँ हैं उनसे ही तैयार किया गया है। इससे पूरा गंगा का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा और मछुआरों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बस इसमें मेरी एक अपील है कि अभी सीड डाला गया है तो ऐसा नहीं कि इसको तुरंत इसकी फिशिंग कर ली जाए, इसको पर्याप्त बढ़ने का मौका देना चाहिए और उसके बाद ही फिर जो है उस जो मछली बड़ी हो जाएगी उसको निकालने की। कितना साल गिरा है? 2 लाख के लगभग। 2 लाख अभी गिरा है और इस साल गंगा में 20 लाख मछली आएगा टोटल। श्रावणी मेला में तो सारा तैयारी चल ही रहा है ना। देखिए उसमें जो रेल शेल्टर वाला था वो काम बंद था तो हम लोगों ने प्रधान सचिव महोदय को भी अवगत कराया, फिर कार्य शुरू हुआ है तो उसको हम लोग करा देंगे। जो बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएँ ससमय पूर्ण कर ली जाएंगी। कांवड़िया पथ पे मरम्मती के लिए टेंडर जो है वो बांका से फाइनल हो गया है और बांका का जो पथ प्रमंडल है वही कंप्लीट करेगा तो वो भी ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था की, ट्रैफिक की, पार्किंग की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो ससमय हम लोग पूर्ण कर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक ज्ञान रंजन सारंगी ने गुरुवार को भागलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं महाप्रबंधक का स्वागत क्षेत्रीय प्रमुख PR सिंह एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख ओम प्रकाश ने किया। बैठक के दौरान महाप्रबंधक ज्ञान रंजन सारंगी ने सभी शाखा प्रबंधकों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और सभी बैंकरों के कारोबार एवं व्यवसाय में वृद्धि के साथ बिहार के आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। ज्ञान रंजन सारंगी ने केंद्रीय कार्यालय के विजन के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। महाप्रबंधक ने 14 जिलों के 56 शाखा प्रबंधक को कृषि ऋण को बढ़ावा देने, MSME और रिटेल सेक्टर लोन को लेकर बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक महिलाओं के आर्थिक विकास के प्रति संकल्पित है। वहीं उप क्षेत्रीय प्रमुख ओम प्रकाश ने कहा कि महाप्रबंधक ज्ञान रंजन सारंगी ने जो निर्देश दिया है उस पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर खगड़िया LGM सोनू कुमार के अलावा राजीव रंजन, रविकांत, प्रसिद्ध कुमार, ऋषिराज, संजय विद्यार्थी, सौरभ कुमार, मनोज कुमार, रवि कुमार, अभिषेक कुमार सहित कई ब्रांच मैनेजर एवं बैंक कर्मी मौजूद थे। आज की बैठक में हमारे अंचल प्रमुख जो कि रांची में रांची के कार्यालय में बैठते हैं उन्होंने हमारा दौरा किया। चूँकि भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत 14 जिले आते हैं वो एक बृहद क्षेत्र को कवर करता है और यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसमें कि हमारे यहाँ की मिट्टियाँ या मखाना, गन्ना, केला और विभिन्न कृषि उत्पाद होते हैं। तो हमारे सर ने, महाप्रबंधक सर ने, श्री ज्ञान रंजन सारंगी ने इस पर यह जोर दिया कि सभी शाखा प्रमुख यहाँ की कृषि से संबंधित ऋण को बढ़ावा दें, वो किसान को सहयोग करें, कृषि से संबंधित जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको वो सर्च करें, उनको अगर मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करें। योगी सरकार में सूचना आयोग के सचिव तेजस्कर पांडे और राय बरेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट उजस्कर पांडे गुरुवार को देश के ऐतिहासिक खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 15वें सज्जाद अलसी सैयद शाह फकरे आलम हसन से मुलाकात कर हाल चाल जाना और आशीर्वाद लिया। सज्जाद अलसी सैयद हसन ने तेजस्कर पांडे और उजस्कर पांडे को बूके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। तेजस्कर पांडे ने खानकाए पीर दमड़िया शाह वक्फ 159 द्वारा संचालित रोटी बैंक की सराहना की और कहा कि प्रतिदिन 100 लोगों को खानका की ओर से मुफ्त भोजन कराया जाता है जो काबिले तारीफ है। तेजस्कर पांडे ने कहा कि खानकाए पीर दमड़िया शाह ने हमेशा आपस में एकता, भाईचारा और सौहार्द का संदेश दिया है और यही कारण है कि खानका में सभी धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। इस अवसर पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के 15वें सज्जाद अलसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि मैं योगी सरकार में सूचना आयोग के सचिव
जसकर पांडे से मिलकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि समाज सेवा की ओर मानव कल्याण की जो सोच खानका की है वही सोच तेजस्कर पांडे की है। शाह हसन ने कहा कि तेजस्कर पांडे जैसे बुद्धिजीवी लोगों की देश को जरूरत है। बता दें कि सूचना आयोग के सचिव तेजस्कर पांडे और रायबरेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट तेजस्कर पांडे अपने दो दिवसीय दौरे पर भागलपुर आए थे। मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के कई सदस्य मौजूद थे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आशियाचक पंचायत नवीन टोला में एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान 53 वर्षीय नारायण यादव के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नारायण यादव की हत्या उसके घर में ही किसी ने गला दबाकर कर दी है, जिसका आरोप परिजनों द्वारा पड़ोसियों पर लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर परिजन के बयान के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। वह नाली के विवाद हो चले, नाली में जैसे ना हमारा भैया के घर के सामने नाली चले, तो हम एप्लीकेशन चाटना पहने हमारा भाई के दिले चले। कौन सी नाम लम भाई के? भाई का नाम लड़ाई नहीं आता। किस विवाद चले रहा? विवाद चले जो राकेश से बारे में हम घर में नहीं चलिए, हमारा बच्चा दू गो भतीजा चले, ओकरा पूछलिए केना केना घटना होलो, निकल के हमारा बाबू को फलना फलना मारी के भागी गांव घर से। बाहरी आदमी रहा? ना ना, वह सब सुनी। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के लिए गुरुवार को स्वदेशी खेल थांग टा के बिहार टीम भागलपुर स्टेशन से पंचकुला के लिए रवाना हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 4 जून को होगी जो 13 जून तक चलेगी और इसमें बिहार थांग टा टीम के 3 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वही टीम को लेकर रवाना हुए बिहार थांग टा संघ के महासचिव सह प्रशिक्षक विकास कुमार झा ने बताया कि 4 से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय बिहार सरकार की ओर से टीम पंचकुला रवाना हुई, जिसमें भागलपुर एनटीपीसी संत जोसेफ स्कूल के छात्र आयुष्मान, भागलपुर चौहान पब्लिक स्कूल बैजानी की छात्रा शुभांगी सुप्रिया और मोकामा नाचरेत एकेडमी के छात्र रवि रंजन सिंह अपने जौहर का प्रदर्शन करेंगे। इधर बिहार थांग टा टीम के खिलाड़ियों को संघ के पदाधिकारियों के साथ संबंधित स्कूल प्रबंधन और खेल से जुड़े लोगों ने टीम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं थी। कभी अपने डांस तो कभी अपने बेबाक बयान और अलग अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल इस बार जमीन विवाद में दबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ भागलपुर के 0 माइल स्थित बरारी निवासी स्वर्गीय विश्वनाथ यादव के पुत्र धनंजय यादव ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जदयू विधायक पर आरोप है कि उन्होंने कट्टा लेकर पीड़ित की ना सिर्फ पिटाई की बल्कि उसके पास से सोने का चैन भी छीन लिया, जबकि विधायक की यह दबंगई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में धनंजय यादव ने सबौर स्थित बरारी मौजा की जमीन का ब्यौरा दिया है जो उसकी माँ सुलोचना देवी एवं संजय यादव के नाम से है। धनंजय यादव ने कहा कि उसके पास जमीन का सारा कागजात भी उपलब्ध है, जबकि उसकी माँ सुलोचना देवी अभी मौजूद है। धनंजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोपाल मंडल उसकी जमीन पर हथियार लेकर मापी का
काम करवा रहे थे तभी इसके सूचना मिलने पर वह अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि विधायक गोपाल मंडल, राजेश पांडे, बबलू कुमार समेत करीब 25 से 30 लोग राइफल, बंदूक और कट्टा लेकर वहां उसके जमीन की नापी करवा रहे थे। साथ ही धनंजय यादव ने कहा कि जब उसने इसका विरोध किया तो विधायक गोपाल मंडल ने गाली गलौज करते हुए चुपचाप वहां से चले जाने की बात कही। इसके अलावा भी पीड़ित पक्ष ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हमारा धनंजय यादव हमारे जमीन पर हमारे गोपाल जी द्वारा, गोपाल मंडल विधायक नगछिया गोपालपुर के द्वारा हमारी जमीन को नापी कराया जा रहा था। हमारे आदमी ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन को नापाया जा रहा है, तो मैं वहाँ जब ज़मीन पर आया तो गोपाल बाबू ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने किया और बताया कि ये ज़मीन हमारी है, अगर आपके पास कागज़ दिखलाइए। मैंने उनको कागज़ दिखलाया, अपना सभी दिखलाया, तो वो बोला कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, मैं भूमाफिया हूँ, उसके लिए आपको जो करना है कीजिए, और हमारे साथ मारपीट। कहलगांव के मदारगंज पंचायत घुटियानी में बुधवार को श्रीराम कथा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 501 कुंवारी कन्या एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया और शोभा यात्रा घुटियानी गांव से निकलकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए त्रिमुहान गंगा घाट पहुंची, जहां से कलश में जल भरकर श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम का जयकारा लगाते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान तेज धूप और गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के रास्ते में ग्रामीणों की ओर से शिविर लगाकर नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई थी। इधर 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर कथावाचक रामदास जी महाराज ने कहा कि श्री राम कथा 9 जून तक चलेगी, जिसमें शामिल होकर सभी भक्त इसका लाभ ले सकेंगे। मौके पर रामकृष्ण झा, अजय महतो, अमित महतो, बाल मुकुंद समेत काफी संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे और युवा श्रद्धालु मौजूद रहे। नवगछा के मधतपुर गांव में सांप डसने से ग्रामीण विभास सिंह के 3 वर्षीय पुत्र हिमांशु राज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हिमांशु के परिजनों को सांप के डसने की जानकारी नहीं थी और घर वाले बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए नवगछा अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हिमांशु को भागलपुर मायगन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रथम दृष्टया हिमांशु की मौत का कारण सांप के डसने का मान रही है, जबकि शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। ये जो बच्ची था, सुबह एकदम लेटरिन करने के लिए बाड़ी में गया, उसके बाद वो आया तो यहाँ पर अपने बेड पर सो गया था, तो मम्मी इसका भाई चला गया था मक्के कटने के लिए, तो वहाँ से आया तो देखा तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल आए तो यहाँ सुई दिया, दांत एकदम बैठा हुआ था, उसके बाद मुँह से गौना भी चल रहा था, तो हम सब कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ से रेफर कर दिया भागलपुर, मैं पहुंचते डेट कर गया। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 18 के दुधैला गांव में दबंग अपराधियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन मालिक रमन दास का कहना है कि उसकी जमीन नगर परिषद क्षेत्र के दुधैला गांव काली स्थान के समीप वार्ड 18 में है, जिस पर गाँव के दबंग नरेश मोहन मंडल और पुरुषोत्तम मंडल और पूरिया अपने सहयोगियों के साथ जमीन पर बाई जबरन अवैध कब्जा कर बांस, बालू और हाट की दुकान खोल ली है। रमन दास ने कहा कि उसके मना करने पर दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन से भगा दिया। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना एवं सीओ शंभु शरण राय को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके बाद सीओ शंभु शरण राय ने सरकारी अमीन अमित कुमार को जमीन मापी के लिए भेजा, लेकिन गांव के दबंग नरेश मंडल और उनके पुत्र पुरुषोत्तम मंडल ने सरकारी अमीन के साथ बदसलूकी कर वहां से भगा दिया। वहीं इसके बाद मामले की जानकारी DIG, भागलपुर जिलाधिकारी, DCLR और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर जमीन मालिक ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई और उससे न्याय देने की गुहार लगाई है। शाहबाद काली स्थान वार्ड नंबर 18 में मेरे पिताजी श्री जनार्दन शर्मा के नाम से जमीन है। कितना? 84 डिसमिल जमीन है। क्या हुआ उस जमीन पे? क्या हुआ उस जमीन पे? यह हुआ है कि वहां नापी के लिए सरकारी अमीन आए थे, जो कि दबंग अपराधी नरेश मोहन मंडल, पुत्र पुरुषोत्तम मंडल उर्फ पूरो मंडल, अन्य अपराधी वहाँ पहुंचकर अमीन को, सरकारी अमीन को वहाँ से मारपीट कर भगा दिया और हम लोग को जमीन पे नहीं चढ़ने दिया और बोला कि अगर यहाँ नौपी होगा तो हम खून खराबा कर देंगे, तबाही मचा देंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन के यहाँ हम जाते हैं तो पुलिस प्रशासन बोलता है CO के पास जाओ, CO के पास जाते हैं तो बोलता है कि थाना प्रभारी जाओ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर लोगों ने किया पथराव, कई घायल, बैरंग लौटी टीम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागलपुर से भेजी गई जरदालु आम की सौगात, 15 दिनों से चल रही थी तैयारी। नमामि गंगे के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डीएम, गंगा को सुरक्षित रखने के लिए डाला गया 2,00,000 मछली का जीरा। महाप्रबंधक ने 14 जिलों के शाखा प्रबंधकों के साथ की बैठक, कृषि ऋण को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। और योगी सरकार में सूचना आयोग के सचिव तेजस्कर पांडे पहुंचे भागलपुर, सज्जादनसी से लिया आशीर्वाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।